अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल लाइफ विद फारूक में। और आज एक नए व्लॉग में आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का व्लॉग जो है बहुत मज़े का होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले हमने मार्केट जाना है, ग्रोसरी करनी है, उसके बाद हम बाहर जाएंगे और हो सकता है गाड़ी का थोड़ा बहुत काम है मज़दार एक्सेल का। आप सोच रहे होंगे मैं जो है वो गाड़ी का काम ही करवाता रहता हूँ मज़दार एक्सेल, नहीं असल में कोई थोड़े से इशू थे गाड़ी के अंदर जो मैं दूर करवा रहा हूँ। सबसे पहले उस दिन हार नहीं चल रहा था, उसकी हमने वीडियो सेपरेट बनाई है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हमने क्या किया था, जिस पे भी काफ़ी टाइम लग गया था, हाँ ट्यूनिंग करवाई थी गाड़ी, गाड़ी की ट्यूनिंग कराई थी। और ट्यूनिंग जो है वो करवाने के बाद उसके आरपीएम जो है बिल्कुल ठीक हो गए थे। पहले मैंने आपको दिखाया था वीडियो स्टार्ट करने, वीडियो जब हमने स्टार्ट की थी कि उसके आरपीएम जो थे वो थे 2 पे, और 2 का मतलब कि उसकी जो साउंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा था। जब हमने उसकी ट्यूनिंग करवाई और ट्यूनिंग करवाने के बाद हमने उसको जब चेक किया तो 1 RPM पे आ गया। तो आप जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी मोटिवेशन मिले, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं, तो देन ही मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगी, मैं और वीडियोज बनाऊंगा, नहीं तो मैं कुछ दिनों तक वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। खैर छोड़ूंगा तो नहीं, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ इस चैनल पे, और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह चैनल मेरा जो है वो ग्रो करेगा। और टाइम लग जाता है थोड़ा सा हर काम में, क्योंकि कभी भी ये काम एक जल्दी नहीं होता। मेरे अभी सब्सक्राइबर कोई इतने नहीं, ऑलमोस्ट कोई 1100 के करीब सब्सक्राइबर। तो अगेन रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब लाइक जितना भी करेंगे मुझे उतनी ही मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए उतने ही वीडियोज अच्छे बना के लाऊँ। अभी मैंने और भी वीडियोज बनाई हुई हैं अभी, जिसमें आप अभी देखेंगे आने वाली वीडियोज में, मैं चपली कबाब का जो है पिछावरी चपली कबाब, पिछावर में तो नहीं गया था, मुगलपुरा में गया था, उसकी वीडियो मैंने बनाई, वो शायद आज अपलोड हो जाए, कल अपलोड हो जाए। तो एक फिश की बनाई, उम्मीद है वो भी आपको पसंद आ गई होगी। इसी तरह मैं फूड से भी रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा। तो बस आपने जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो नए आते हैं उनको भी सब्सक्राइब कराना है, और अगर आपकी कोई फैमिली फ्रेंड है तो उनको भी चैनल सब्सक्राइब कराना है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं सबसे पहले गाड़ी की तरफ, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मार्केट चलते हैं, वहाँ से ग्रोसरी करते हैं, फिर उसके बाद अगली रूटीन आप वीडियो में देखें। बच्चे ब्लॉक में खेल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे जाते हैं, उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें उतरना भी तो है ना। धूप बहुत मज़े की बनी हुई है, बहुत अच्छी बनी हुई है धूप, वो देखो गाड़ी हमारे, वो ही चलते हैं गाड़ी को स्टार्ट कर। गाड़ी का हमने कवर उतार दिया, गाड़ी के अंदर आके बंद करते हैं दरवाज़ा और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। गाड़ी स्टार्ट हो गई है और आरपीएम देखें एक से भी नीचे है। अभी गर्म होगा तो आरपीएम अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। बाइक की ग्लासेस पड़े हैं, ग्लासेस लगा ही ना मेरे ख्याल में। ऑटो मिरर है, बटन ये दबाएंगे तो मिरर बाहर जाएंगे। ये देखें ना, ये फ्यूल की गेज जो है ना ये फुल रहती है, ये फ्यूल गेज फुल रहती है, मतलब आपके लिए डॉज ही है ये। जब भी आप कहीं बाहर जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा इसका पेट्रोल फुल है या कम है, कितना टैंक है। खैर मैं इसका टैंक फुल रखता हूँ ताकि टेंशन ना हो। एक तो ये करवाना हमने, एक ये जो है स्पीड किलोमीटर स्पीड शो नहीं करता, और बाकी ये जो ऑयल वाला भी, ये भी करवाना है। ये 3 काम है छोटे छोटे, तो इतना बड़ा काम नहीं है। खैर इसको भी हमने करवाना है। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है और अभी आरपीएम पूरे हो रहे हैं, अभी हाफ आरपीएम पे 500 पे, तो जैसे ही 1 पे होती है तो हम निकलते हैं यहाँ से। अभी जो है बच्चों के स्कूल की तरफ जा रहे हैं, मैंने सोचा पहले बच्चों को ले लें स्कूल से, ये इनका हमारी सोसाइटी के अंदर ही स्कूल है, और बस यहाँ से थोड़ा सा ही दूर है, वो सीधा जाके वहाँ पे स्कूल है बच्चों का, पहले स्कूल से बच्चों को ले लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। बच्चों को छुट्टी हो गई है, अल्लाह वलीद को ले लिया, रुक जाओ रुक जाओ, रुको रुको रुको, गाड़ी में बैठते हैं, आप आगे बैठो, बैग में पीछे रखो, दोनों आगे बैठो, चलो अभी आगे दोनों बैठ गए, बैग इनका पीछे रखते हैं। लै जी मैं सब्ज़ी वाली शॉप पे आ गया हूँ, गाड़ी को करते हैं बंद। ये सब्ज़ी वाला बैठा है सामने, और थोड़ी सी ग्रोसरी लेनी,
आप लोग अंदर ही बैठो, आ रहा हूँ मैं वापस। बच्चे अंदर ही बैठे, थोड़ा सामान लेने। सब्जी की शॉप पे आ गए, ये हमारे दोस्त ही हैं सब्जी के बेचने वाले ऑनर। क्या नाम था आपका? मोहम्मद शान। तो मैं सब्जी जो इन्हीं से ले रहा हूँ, सब्जी वगैरह ले लेते हैं थोड़ी सी। अभी हम ले रहे हैं सिर्फ प्याज थोड़ा सा, साथ थोड़े से टमाटर, और साथ में खीरे वगैरह लेने को बोले। सही रेट लगाना, किस तरह लगाया? 200। ये प्याज ले लिया, टमाटर दे दो, दो तीन खुद ही उठा लेता हूँ यार, तुमने दो एक्स्ट्रा कर लेने। ये तीन टमाटर भी उठाओ, जरा प्याज वहाँ से। टमाटर ले ली, कितने के देखो? 30 के टमाटर हो गए। 30 के इसलिए ले रहा हूँ भाई, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, रोज़ के रोज़ थोड़े थोड़े ले लो, पर ठीक है, फ्रेश मिलते हैं। और लहसुन दे दें थोड़ा सा, एक ये दे दो। अदरक किधर? अदरक ये रहा, अदरक। अदरक कितना? बहुत है? हाँ बहुत है, एक ही दफ़ा। पर ठीक है, ये डाल दो। ओके हो गया, अदरक लहसुन भी हो गया। ये कितने का होगा? कितने पैसे? हाउ मच? 180। गुड। सामान ले लिया, थोड़ा सा प्याज ले लिया, ये तीन क्या होते हैं कैंडीज, कोई ये बच्चों के लिए ले लिया। दुलार वलीद बैठे हुए अंदर, वो देखो वेट कर रहे हैं, कुछ खाने को मिले हमें तो इनके लिए बेसिकली लिया। चलो भाई निकाल लो इसमें से, एक आशा की एक एक आपकी। ओके ठीक हो गया ये अब्दुल्ला? आपने जो सामान है ना सब्ज़ी, ये बैग में डाल के ऊपर लेके जानी, क्योंकि मैंने यहाँ से जाना है गाड़ी का काम करवाने थोड़ा सा, ठीक है? और बाहर जाना है। चले मेरे फिर चलते हैं, हम इनको पहले छोड़ते हैं घर, उसके बाद चलते हैं वर्कशॉप। बिल्डिंग आ गई है, बच्चा पार्टी को उतारते हैं यहाँ पे। चलो चलो बाहर आओ, बाहर शाबाश, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अदला रुको, अली आप भी बाहर। बच्चा पार्टी को भेज दिया बैग में सामान डाल के, ऊपर जाते हैं तो फिर फ़ोन करता हूँ, फिर चलते हैं। और अभी बी सेक्टर में जा रही है, तो बस पहुँचते हैं वर्कशॉप, तो फिर करवाते हैं काम इसका थोड़ा बहुत। वर्कशॉप पहुँच गया हूँ, अभी ये गाड़ी लगी हुई है, इसका थोड़ा सा काम रहता है, उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी से करवाएँ काम। खैर गाड़ी का इतना बड़ा नहीं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सिर्फ छोटे मोटे उसके काम हैं, जो थोड़ा सा गेज का है, तो मैंने कहा ये करवा लो, अच्छी बात है, बाद में भी तो प्रॉब्लम फेस करनी है। वर्कशॉप वाले ज़रा ट्रस्टेड हैं, ज़रा सही हैं, इस वजह से जो है ना टेंशन नहीं होती इनकी, यहाँ से काम जो है तसली बख्श हो जाता है, और वर्कशॉप भी अच्छी है। ये इलेक्ट्रीशियन है जो नहीं बन लगा, अगर लगा सर ये लगा, ये इलेक्ट्रीशियन है जिसने गाड़ी को चेक करना, कह रहा सर पहले हम ये वाली गाड़ी को चेक कर लें, आपको करने के बाद जो है फिर आपकी गाड़ी को कर देगा। तो देखते हैं, लेट्स सी कितना टाइम लगेगा। हमारे एक और मैकेनिक आ गए, फहीम साहब, और सुनाए कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ जी, लास्ट इन्होंने ट्यूनिंग की थी, आपको पता ही हमारी गाड़ी की, और ट्यूनिंग करवा के हम स्कॉर्पियो स्टार्ट करवा के गए थे इनके पास। चलें वेट करते हैं फिर, अब इनको वेट के अलावा काम ही किया। ले जी अब ये दरवाज़ा ओपन करवा रहे हैं, इसका जो शीशा है वो ऊपर नीचे नहीं होता, तो शीशा इसको ऊपर नीचे करवाते हैं। गाड़ी का जी कोई काम नहीं हुआ, सर दरवाज़ा था वो, उसकी मोटर का मसला है, वो मोटर लानी पड़ेगी। नहीं मोटर लाएंगे तो गाड़ी के वो डोर जो ऊपर नीचे होगा, और जो उन्होंने कहा है वायरिंग का, मतलब मीटर का, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेल रोड जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके इसके मीटर को चेक करवाना है। तो खैर देखते हैं अभी आगे का प्लान क्या, अभी तो फिलहाल घर वापस जा रहा हूँ। ये हमारे मैकेनिक साहब खड़े हैं, इन्होंने कहा जी मीटर नहीं होगा। खैर एसी मैंने चेक करवा लिया, इसका एसी ओके है, मतलब कंप्रेसर ओके, और गैस होने वाली उसकी लिखी चेक कर, ओके। तो फिर चलते हैं घर की तरफ, वापस घर आ गए, थकावट होगी, बैल बजाने पड़ेगा। Thank you, Mila.